हेलो एवरीवन, gayatrisinghcom में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं खट्टा मीठा पोहा। ये इसकी सामग्री है। ऑयल है, दो प्याज कटे हुए हैं, करी पत्ता है, एक चम्मच हल्दी है, एक चम्मच लाल मिर्च है, थोड़ी सी किशमिश है, नारियल है और काजू बादाम है, और रोस्टेड करे हुए मूंगफलियां हैं, और स्वाद के लिए नींबू और चीनी है। और ये पोहा है, इसको अभी हम पानी डालते हैं। अच्छे से भिगो लेते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं, 2 चम्मच। पोहा का पानी निकाल देते हैं। राई जब तक भुन रही है, राई भुन चुकी है। अब इसमें आप प्याज को थोड़ा सा हिला फ्राई करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डालते हैं, करी पत्ता भुन जाएगा, फिर इसमें थोड़ा नींबू डालेंगे, 2 चम्मच नींबू डालेंगे। प्याज गुलाबी हो गई है, प्याज का कलर कितना सुंदर आ गया है। अब ये भुन गई है अच्छे से। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च डालेंगे, 1 किशमिश डालेंगे। नारियल भुन चुका है, अब इसमें काजू बादाम डालेंगे, रोस्टेड करे हुए मूंगफलियां थोड़ा सा ही डालते हैं। पोहा 15 मिनट रखा है, पानी निकल चुका है। अब इसमें पोहा डालते हैं। सामग्री मिक्स हो गई। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, 2 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। अब पुआ तैयार हो चुका है। अब सर्व करते हैं। सर्व कर लिया, इसे गार्निश करते हैं। अगर ये खट्टा मीठा पोहा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।